अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो मैं आज आपको स्टोरी बताने वाली हूँ ना, ये एक स्टूडेंट की स्टोरी है और अगर आप भी एक स्टूडेंट है ना, इसको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी नमाज को इग्नोर करते रहते हैं, हम अपनी इबादत को इग्नोर करते हैं। पर जब आप ये स्टोरी सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप पढ़ाई के साथ अगर इबादत करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत के बदले आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि मेहनत करना हमारा काम है, पर देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तो चलिए मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम इकरा सिस्टर, आई होप यू आर डूइंग वेल। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। माय नेम इज़ मुनज़्ज़ा सिस्टर, मेरे साथ आज एक मिरेकल हुआ है माशाल्लाह। मैं रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी अनकाउंटेबल, या कभी भूल जाती थी, नहीं पढ़ती थी। आज मेरा रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह, मेरे केमिस्ट्री में 97 एंड बायो में भी 97 माशाल्लाह एंड सो ऑन। मैं रोज़ सोचती थी कि अल्लाह ताला मेरे साथ भी मिरेकल कर दे। फाइनली अल्लाह ताला ने इतने अच्छे नंबर दिलाए माशाल्लाह। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, अल्लाह से खूब मांगे जितना हो सके, एंड अल्लाह पर बिलीव करें कि देने की ज़ात अल्लाह की है। जज़ाक अल्लाह। और इन्होंने ना लास्ट में एक मैसेज और लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इन्होंने लिखा था कि सिस्टर मेरे कमेंट पर वीडियो बनाए, बिकॉज मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी स्टूडेंट रिलेटेड मिरेकल्स, बट इतने आते ही नहीं थे। सो मेरे कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले। डैट्स इट, जज़ाकल्ला। जज़ाकल्ला खैर आपको भी ये स्टोरी शेयर करने के लिए, और आपने बहुत अच्छा किया ये अपनी स्टोरी मुझसे शेयर की। इससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।